यू so, मेरा नाम है ज्योति चौधरी और स्वागत है आपका और हमारे ब्यूटीफुल से चैनल ड्रीम यप्पा गर्ल में सो so, अभी अराउंड ट्वेल्व थर्टी हो रहे हैं तो मैं बारह बजे बारह नहीं साढ़े ही ग्यारह तक मैं जग गई थी उसके बाद मैं कुछ कुछ रूम की साफ सफाई करी ब्रश करा और ये सारी चीज़ें अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने और फ्रेश होने के बाद मिलती हूँ फिर अपना मैं एक डेढ़ बजे से अपना जो स्टडीज है वो स्टार्ट करती हूँ तो आजकल बहुत ज्यादा उल्टा पुलटा चल रहा है बट ठीक है अपन इस चीज को नहीं सोचते हैं कि अपन अपना रूटीन कैसा चल रहा है अपने को ये सोचना है कि बस अपन रोज अच्छे से पढ़ाई कर पाए ठीक है।, है ना ये मैं खुद को समझा रही हूँ चलो ठीक है है ना मिलती हूँ फ्रेश होने के बाद ओके okay. सो so, मैंने अपने प्लांट्स में पानी डाल दिया है इसमें भी डाल दी है और इसमें भी डाल दिया है ये सो खाना आ चुका है तो मैंने सोचा पहले खाना खा लेते हैं फिर उसके बाद कुछ और करेंगे तो आज खाने में मिली है चावल दाल गोभी आलू की सब्जी और आम की चटनी तो चलिए खाना खाने के बाद मिलती हूँ ओके okay, सो so यहाँ बिल बज गई थी हॉस्टल की तो मैंने सोचा फटाफट से पहले खाना खा लेते हैं फिर उसके बाद जो भी अपना जो भी काम होगा वो करेंगे अपन तो मैं फटाफट से खाना खाने लगी थी बिकॉज़ फिर ठंडा हो जाने के बाद हॉस्टल का खाना आपको भी पता है कि कैसा ही लगता होगा तो चलिए फटाफट से खाना खा के मिलती हूँ आप लोगों को ओके सो यहाँ मैं नहा धुल के फ़्रेश होके आ चुकी हूँ खाना खा लिया है और फिर से मैं पढ़ने बैठ गई हूँ एंड फाइनली आज मैंने फिज़िक्स और केमिस्ट्री की एन बुक को ढूँढ के निकाली है क्योंकि मेरे इनऑर्गेनिक नहीं कंप्लीट हुए हैं अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है मेरे को लग रहा है कि मेरे को दो तीन महीने और मिल जाते ना तो मैं अपनी प्रिप्रेशन बहुत अच्छा कर पाती बट ठीक है ये तो एक तरह से लगता है एक्सक्यूज़ है बट कभी कभी लगता है कि नहीं नहीं ऐसा सच में है तो इन और गिनी का मेरा बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैंने सोचा है कि मैं एन से पढ़ लेती हूँ तो आज मैंने अभी तीन थ्री आवर्स का लेक्चर था ना एस ब्लॉक का तो मैंने वो कम्प्लीट करा है फिर मेटलर्जी कंप्लीट करी है दो चैप्टर्स आज कंप्लीट करे हैं तो वही मैं एन से एक बार पढ़ रही हूँ कि एक बार एन एन पढ़ा रहेगा तो मतलब कुछ एन सी एन पढ़ा रहेगा तो थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आएगा पता नहीं इस बार मेरे को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और लास्ट में उन्हें मिनट पे जैसे जैसे समझ में आ रहा है ना कि मेरा ये सिलेबस कंप्लीट नहीं है या ये चीज़ें नहीं हुई हैं तो मैं ना बहुत मेरे अंदर का मोटिवेशन ख़त्म होते जा रहा है पढ़ने का इस तरह से कुछ हो रहा है आप लोग बताना आप लोग के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है क्या बिकॉज मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है मैं, ऐसा मैं एक टाइम था जब इतनी ठंड पड़ रही थी तब मैं मतलब मेरा टाइम वेस्ट ना हो मैं लाइब्रेरी जाती थी तो मेरा टाइम वेस्ट ना हो तो मैं रात के बारह एक बजे अपना बाल धुल के सुलती सोती थी कि मेरे को सुबह में टाइम नहीं मिलता बाल धुलने का और पता नहीं आजकल ना मेरा जब से मेरे को दिमाग में हिट कर गया है कि मेरा सिलेबस कम्प्लीट नहीं हुआ है तब से मैं अपने आप को एक्सक्यूज़ ज़्यादा देने लग गई हूँ कि मेरा सिलेबस कम्प्लीट नहीं हुआ है मेरे से नहीं हो पाएगा मैं नहीं कर पाऊंगी और भी कुछ रीजंस है बट ये तो मेनली रीजंस है तो चलिए ये सारी चीज़ों को साइड में रखते हैं और अभी मैंने एस ब्लॉक तो कंप्लीट कर लिया है और मेट भी तो मैंने सोचा है कि मैं ना मैं क्वेश्चनस करती हूँ बिकॉज़ मैं रोज़ सोचती हूँ कि रोज़ सोचती नहीं ये क्वेश्चन तो मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं रोज़ ही क्वेश्चनस करती हूँ तो चलिए क्वेश्चन करते हैं और फिर मिलती हूँ आप लोगों से ओके सो मेनी ऑफ यू आर आस्किंग कि दीदी कौन सी बुक यूज़ कर रही है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए सो आई एम यूजिंग मेमोनी टैब सो आई थॉट आई शुड ऑल्सो सजेस्ट यू ऑल और मैंने पहले भी इस ऐप के बारे में आप लोगों को बताया है तो चलिए अभी मैं जैसे मैंने एस ब्लॉक और मेटलर्जी पढ़ा है तो मैं इसके ही क्वेश्चन लगाती हूँ और आप लोगों को दिखाती भी हूँ सो so, यहाँ मैंने अपना एस ब्लॉक का क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है और कुछ इस तरह से था तो ये वाले जो ऐप है इसमें बहुत ही अच्छा फीचर्स है कि आप क्वेश्चंस करो और इंस्टेंट आपको पता चल जाता है कि आपके क्वेश्चन सही है गलत है कौन से पैराग्राफ से आया है इसमें बहुत ही अच्छी बात है कि आपको असर्शन रीजन क्वेश्चन जैसे पिछले साल नी ट्वेंटी में आया था तो ये सारी फ़ीचर्स है तो ये देखिए मैं ये इस तरह से मैं फटाफट से क्वेश्चन कर रही हूँ और ये देखिए ये क्वेश्चन मैंने जान के गलत किया है आप लोग को दिखाने के लिए कि होता है तो आप लोग को यह भी बता देता है कि यह कौन से पेज पे कहां पे क्या चीजें दी गई हैं ओके सो यहाँ मैंने एस ब्लॉक कंप्लीट कर लिया है इसके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं सो so आप लोग पूछोगे कि दीदी आपको ये मेमोनी ऐप इतना क्यों पसंद है तो इसके बहुत ही कुछ अच्छे फीचर्स हैं जिसके बारे में आप लोग को बताती हूँ जैसे कि अपने को पता है नीट 2022 में कितने असेसन रीजन क्वेश्चन आए थे तो इसके कारण यहाँ एक अलग सेक्शन रखा गया है असेसन रीजन का रिगार्डिंग असेसन रीजन साथ, -साथ यहाँ तुमको डिजिटल नोट्स भी मिल जाते हैं चैप्टर अगर ख़त्म होने के बाद एक बार आप रिवाइज कर सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे तो हिंदी वाले को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ बायोलॉजी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री तीनों मिल जाएगा फ़िज़िक्स में भी आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में फ़िज़िकल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मिल जाएगा ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन कितना इंपॉर्टेंट है तो इसके लिए भी एक अलग सेक्शंस है तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है बिकॉज़ नेम रिएक्शन में मेरे को बहुत दिक्कत होती है तो ये सारे कुछ फ़ीचर्स है सो so, मैंने सारे लिंक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट सो यहाँ शाम हो गई है और ये देखिए शाम की चाय शाम की चाय नहीं मैं एक ही टाइम शाम में ही अभी आजकल चाय पी रही हूँ और उसके बाद अगर बगल में एक आंटी है वो बहुत ही अच्छी इडली बनाती है तो हम लोग शाम के नाश्ते के लिए वहाँ चले गए तो यहाँ मैं इडली खा रही हूँ लास्ट बाइट बची है फिर हमें याद आया कि अरे चलो कुछ इसका सूट कर लेते हैं सो नाश्ता करने के बाद फिर से पढ़ने बैठ गई सो आजकल ज़िंदगी में दो ही चीज़ चल रही है पढ़ाई नहीं तीन चीज़ चल रही है पढ़ाई ओवर थिंकिंग और खाना तो ठीक है फिर उसके बाद फिर रात को आज क्या मिल अच्छा हाँ आज कटहल की सब्ज़ी और रोटी मिली थी जिसका मैंने क्लिप लेना मैं भूल गई तो आज कटहल की सब्ज़ी मिली थी फिर खाना खाने के बाद मैं छत पे चली गई मैं और मेरी फ्रेंड है शिवानसी तो वो लोग वो हम दोनों मिलके पूरे हॉस्टल में हम ही दोनों हैं नीट नीट जो कि प्रिपरेशन्स करने वाले नहीं तो लगभग सारे बीपीएससी वाले हैं तो हम लोग छत पे जाके कर एक घंटे एन एक चैप्टर कोई भी चैप्टर उठाते हैं और उसको एन से पढ़ते हैं तो फिर नौ से दस बजे तक वो किया फिर दस बजे साढ़े दस तक मैं रूम में आ गई और फिर रूम में पढ़ने लग गई थी तो पढ़ते पढ़ते फिर मेरे को साढ़े बारह तक फिर मेरे को ना फिर से भूख लग गई तो फिर मैं जाके मैगी बना के आई और मेरे पास मैगी नहीं थी तो मैंने हॉस्टल में सबसे कॉल करके पूछा कि तेरे पास मैगी है तेरे पास मैगी है तेरे पास मैगी है तो मैगी तो आई होप मेरे पास आज नहीं थी बट वैसे रहती है तो मेरे को मैगी मिल गया तो फिर मैंने बना लिया फिर मैंने खा लिया मैंने मैगी खा ली है और अप्रोक्स अब आई गेस थ्री फोर्टी टू हो रहे हैं लगभग सो so, सोच रही हूँ आज थोड़ी जल्दी सो जाती हूँ नहीं तो छः बज जाते हैं सोने में बट फिर दिक्कत हो जाती है थ्री फोर्टी टू में मेरे को कौन मैसेज कर रहा अच्छा मैसेज नहीं है गाज़ मैसेज नहीं है अपने इतने अच्छे दिन ही आए हैं So, चलिए यहाँ आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है क्या करना है क्या करना है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग मी कीप सपोर्टिंग मी कीप लविंग मी थैंक यू बाय फिर मिलते हैं अगले वीडियो में के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए और ओवर थिंकिंग मत कीजिए बाय बाय